एक तो सन के ओपोजिट खींचना है, प्लस अपना एंगल 45 डिग्री रखना है दोस्तों। तो ज्यादातर हम फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो सिनेमेटोग्राफी को देते हैं। स्टिल फोटोग्राफी करेंगे कि किस तरह से आपने अपनी सनलाइट को देख के शूट करना है। कि मान लो कि अभी देखो मॉडल जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं, तो ऑलमोस्ट शैडो है, सिर्फ बालों के ऊपर जो है वो लाइट है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है साजन मदान। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि सनलाइट को देख के आपने अपनी फोटोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी कैसे करनी है। तो आज हमारे साथ है विकास इंगले जी और मनिंदर जी, और ये एक्ट करेंगे सिनेमेटोग्राफी के अंदर, फोटोग्राफी के अंदर। विकास सर स्टिल फोटोग्राफी करेंगे कि किस तरह से आपने अपनी सनलाइट को देख के शूट करना है। ये कोई भी फ्लैश लाइट नहीं यूज़ करेंगे और उसका रिज़ल्ट आपके सामने हम शो ऑफ करेंगे। इसी तरह से जैसे हम वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो ऑलमोस्ट हम कॉन्टिन्यू लाइट है जो सिनेमेटोग्राफी में नहीं यूज़ कर सकते आउटडोर, जैसे प्री वेडिंग के लिए जाते हैं डे में। तो सन को किस तरह से देखना है आज के टॉपिक में उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए दोस्तों। तो दोस्तों जैसे हम प्री वेडिंग करते हैं तो सन को किस तरह से देखते हैं, अभी जो मेरा सब्जेक्ट है बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है और जो हमारा सन है बिल्कुल सब्जेक्ट के हेयर पे आ रहा है दोस्तों। तो आपने क्या करना है कि अगर आप बिल्कुल यहाँ से शूट करेंगे तो क्या हुआ कि सन का जो फ्लेयर है आपके लेंस में भी क्रिएट होगा। तो आपने क्या करना है कि हमेशा एक तो सन के ओपोजिट खींचना है, प्लस अपना एंगल 45 डिग्री रखना है दोस्तों। क्या होगा कि जैसे सन आया सब्जेक्ट पे, उसके बाद आप उसके स्टेट पे हैं, या सन बैकग्राउंड पे आप 45 डिग्री पे जाओगे, या तो सन 45 डिग्री पे रहेगा बैक एंगल पे, या आप फ्रंट एंगल 45 डिग्री चूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके कट। अब क्या है कि मैं बिल्कुल सीधा रहूंगा। अब जो हमारा सन है सब्जेक्ट के 45 डिग्री एंगल पे है पर है ओपोजिट ही, तो अभी हम स्टिल शॉट लेंगे। ओके मैम रेडी। और इससे क्या होगा कि आप हेयर्स के ऊपर देख रहे हैं कि कितनी अच्छी ब्यूटीफुल लाइट आ रही है दोस्तों। ओके मैम, वन लो एंगल, वन टू थ्री एंड एक्शन मैम। कैमरा लुक। तो दोस्तों पहले हमने वॉक शॉट लिया, उसके बाद एक खड़े होकर स्टिल शॉट लिया, अब बैठ के हम एक स्टिल शॉट लेंगे। सारा शूट हम ऑपोजिट साइड कर रहे हैं कि सन बिल्कुल सब्जेक्ट के बैक साइड है, आपने हमेशा फ्रंट से शूट करना है कि जो फेस के ऊपर शेडोज वगैरह ना क्रिएट हो दोस्तों। रख दो नीचे। मेरे फेस की तरफ देखो। तो दोस्तों आप सब लोग ने देखा कि आपने लाइटिंग का यूज़ किस तरह से करना है नेचुरल। तो कोई रिफ्लेक्टर नहीं यूज़ किया, तो जो रिज़ल्ट आपने देखा कि कितना ब्यूटीफुल है। तो इसी तरह से अब हम नेचुरल लाइट के अंदर स्टिल फोटोग्राफी करेंगे, तो जो कि विकास इंगला सर आएंगे। हेलो, जैसे कि अभी आपने देखा कि साजन सर ने कितना अच्छा शूट किया है। मान लीजिए कि अभी हम एक प्री वेडिंग शूट के लिए आए हैं, तो ज़्यादातर हम फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो सिनेमेटोग्राफी को देते हैं कि पहले सिनेमेटोग्राफी के कुछ शॉट्स ले लो, उसके बाद फोटोग्राफी कर लो। क्यों? इसके पीछे रीज़न है क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ मूविंग शॉट्स लेने हैं और ज़्यादा एरिया कवर करने की ज़रूरत है।
सेम फोटोग्राफी में अभी जैसे कि आप देख रहे हो ये पूरा एरिया जो है, तो इसमें से कोई भी एक छोटा सा एंगल भी मैं पकड़ सकता हूँ और मुझे जो जिस तरह का बैकग्राउंड चाहिए उस तरह का यूज़ कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़, लाइटिंग में मैं मॉडल को स्टील कर सकता हूँ। जैसे कि हम क्लोज देखेंगे कि मान लो कि अभी देखो मॉडल जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट शाडो है, सिर्फ बालों के ऊपर जो है वो लाइट है। थोड़ा सा टर्न उधर कर, यस, अभी देखना ये लाइट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लग रही है, क्योंकि ठीक है अभी लाइट इतनी ज़्यादा हार्श नहीं हुई है, फिर भी अगर और एक 10 मिनट के बाद भी अगर हम ये शॉट्स लेते हैं ना तो लाइट्स कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, फिर हमें रिफ्लेक्टर, डिफ्यूज़र, कटर और लाइट्स की यूज़ करनी पड़ती है। तो चलिए अभी हम शॉट लेके देखते हैं। उधर ही लुक है, यस, गुड, थोड़ा सा इधर प्रोफाइल, यस, लुक इन टू द कैमरा में देखना, यस, गुड वन, होल्ड इट, स्माइल, डन। अभी इसी तरह से हम यहाँ पर कुछ अलग अलग लोकेशंस पे शॉट्स लेते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से हम एंगल का यूज़ करके क्या मैजिक क्रिएट करते हैं। लुक ए साइड, तो दोस्तों आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह से स्टिल फोटोग्राफी करनी है नेचुरल लाइट में, सिनेमेटोग्राफी करनी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ग्रेंडिया चैनल सब्सक्राइब करें, धन्यवाद दोस्तों।